हाय एवरीवन, योर क्वेश्चंस एंड माय आंसर्स इस सीरीज में आपका स्वागत है। बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स आप लोगों को किए हुए हैं और आज इस वीडियो में मैं मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे और जो क्वेश्चंस आपके बचे हुए इन सब के आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चालू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारे अपडेट्स डालता रहता हूँ AIA PGT से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों ने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नीडफुल पीपल के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सर मेल की उन्होंने मतलब हाँ जो NTA में मेल करने को मैंने कहा था तो उसके रिगार्डिंग उनका ये लास्ट फैसला वो तो आ गया है, तो आप क्या कर सकते हैं? या तो कोर्ट केस कर सकते हैं या फिर चुपचाप आप बैठ सकते हैं उसको मानकर। यही दो आंसर्स मुझे समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट रैंक, OBC रैंक 31999। OBC रैंक आपने बताई ना, AIR तो बताई नहीं। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप क्वालिफाइड हैं तो चांस ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज की ओर जाने के लिए। सर मेरी AIR 276 है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सलेक्शन तो हो जाएगा। एनी चांस ऑफ सलेक्शन इन एनी? आराम से वो मिल जाएगा आपको। सर ऑल इंडिया कोटा से लेते लिए कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का चलेगा क्या? सर नहीं, अभी जैसी फॉर्मेट आएगी ना तो जो भी सर्टिफिकेट्स हैं चाहे वो EWS का हो चाहे सेंट्रल की सीट्स वाला हो तो सबका एक फॉर्मेट साथ में आता है, तो उसमें घबराने की आपके पास आवश्यकता नहीं। अगर स्टेट का आपके पास बना हुआ है तो उस फॉर्मेट को केवल आपको निकालना है और वहां तक ले जाना है ऑथेंटिक बॉडी तक, वो लोग तुरंत बनाकर दे देते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती बनवाने में। मतलब सेंट्रल का सेंट्रल में लगेगा स्पेसिफिक कास्ट सर्टिफिकेट और स्टेट वाला स्टेट में तो चलेगा ही। नेक्स्ट, AIR 978, कैन वी गेट PTSR इन प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज इन जनरल कैटेगरी? यस यू कैन ट्राई, बिल्कुल मिल सकता है, आसानी से मिल जाएगा। सर AIR 2289 SC कैटेगरी, AIR 2289 है SC में आपकी कैटेगरी रैंक आपने लिखी नहीं, तो क्लिनिकल सीट्स कहाँ तक मिल सकते हैं ये मैं कह नहीं पाऊँगा, आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। हेलो सर, AIR 2268 NDWS 381। तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि EWS का ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 381 सीट्स तो EWS की है नहीं, तो AIR के बेसिस पर ही आपको कहीं ना कहीं कुछ मिलने के चांसेस हो सकते हैं। क्लिनिकल फील्ड भी मिल सकता है, अगर लास्ट तक आप लगे रहें शायद कुछ मिले। गवर्नमेंट में तो पॉसिबिलिटीज कम है, प्राइवेट में मिल सकता है। सर AIR अराउंड 500, भाई पूरा ही लिख दिए होते, अराउंड 500, SC कैटेगरी रैंक 13, गायनिक किए और KC इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट सेंटर। अच्छा, तो आपको SC कैटेगरी का बेनिफिट मिल सकता है पर गायनी मिले वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। KC शायद कहीं किसी या ऑल इंडिया कोटा वाली सीट में कहीं मिल जाए तो मिल जाए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में तो पॉसिबल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा। AIR 4639 सर एंड EWS 674, कुछ चांस सर गवर्नमेंट स्टाइफन सीट, प्लीज़ रिप्लाई। लास्ट तक अगर आप लगे रहते हैं मॉपअप राउंड तक तो शायद कहीं कुछ ऑल इंडिया कोटे से कुछ सीट्स कहीं आपको मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि लास्ट तक कई लोग हार जाते हैं, कई लोग अपना मूड बदल लेते हैं, कई लोग प्राइवेट की ओर चले जाते हैं, तो हो सकता है ऐसा हो जाए पर चांसेस बहुत रेयर है ना। नेक्स्ट, महाराष्ट्र स्टेट कोटा सीट के बारे में वीडियो बनाइए प्लीज़। स्टेट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग वीडियोज बना पाना मैं कोशिश करूंगा, पर क्योंकि हर स्टेट का मैं इंडिविजुअल बना पाऊँ तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेरे लिए भी हो जाएगा, तो स्टेट का मैं आपको जरूर जब आएगी ना तो काउंसलिंग का साइट वाइट मैं जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, बाकी जो हो पाएगा मुझसे मैं करता रहूंगा। अगर एग्जाम में सिर्फ ओपन कैटेगरी मेंशन है तो काउंसलिंग के टाइम EWS से अप्लाई कर सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज होगी, क्योंकि आपके फॉर्मेट में EWS का सेक्शन ही नहीं रहेगा, तो EWS से अप्लाई आप कैसे करेंगे? सर AIR 832 EWS 158 गवर्नमेंट स्टाइफंड सीट मिल जाएगी आराम से, सेंट्रल में नहीं ऑल इंडिया कोटे की सीट्स में आपको मिल जाएगी। सर AIR 9448 जनरल MP स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज के ही चांसेस हैं, उसको देख लीजिए आप। स्टूडेंट्स को स्टूडेंट रहने दीजिए क्यों कोर्ट का रास्ता दिखा? अच्छा, ये किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स होंगे, उनका सोचना एक हिसाब से ठीक ही है पर कुछ चीज़ें के लिए लड़ना ही पड़ता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके आंसर सीट्स में गलती है और उसको अभी भी NTA करेक्ट नहीं कर पाया है तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास कोर्ट का दरवाज़ा ही बचता है, जो मुझे लग रहा था, बाकी डिसीजन करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। AIR 9697 SC सर क्या गवर्नमेंट सीट? गवर्नमेंट तो बहुत मुश्किल लग रहा है यार मुझे, स्टेट में आप देख लो स्टेट काउंसिल में आपका रैंक कहाँ पे पहुँच रहा है, पर ऑल इंडिया कोटा वाले में तो मुझे नहीं लग रहा।
यस सर प्लीज़ नंबर शेयर करें ना। अच्छा उन्होंने ही कहा होगा ये तो, कुछ कोई मुझे मेरे पास अभी तक किसी ने संपर्क ऐसा नहीं किया कि उनके भी जो फाइनल आंसर है उसमें कॉम डिस्प्यूट है करके, तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड मैं तो पर्सनली भी नहीं कर पाऊँगा। सर AIR 2850 एंड SC कैटेगरी रैंक 163 पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा गवर्नमेंट सीट आपको। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लास्ट तक आपको लगे रहना पड़ेगा। AIR 7115 एंड OBC कैटेगरी, OBC का फ़ायदा तो नहीं मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज की ओर ही आप ध्यान रखिए, तो प्राइवेट कॉलेज में आपको आसानी से सीट मिल सकती है। सर AIR 4844 स्टेट उत्तराखंड गेटिंग गवर्नमेंट स्टाइफंडरी सीट, गवर्नमेंट स्टाइफंडरी सीट के चांसेस तो ना के बराबर मुझे लग रहे हैं। 4,000-4,500 रैंक काफ़ी पीछे हो जाता है, OBC कैटेगरी में भी आपकी कोई खास रैंक नहीं है। AIR 916 यस स्टाइफंडरी सीट आपको आराम से मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटे से आप देखिएगा, सेंट्रल में नहीं मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा मतलब हर स्टेट में 15% गवर्नमेंट की सीटें रिजर्व हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में मतलब 15% सीटें रिजर्व हैं ऑल इंडिया बच्चों के लिए, तो उस वाले चांसेस में आप आ सकते हैं, बिल्कुल मिल जाएगा। मेरे मार्क्स 87 है फ्रॉम उत्तराखंड जनरल इस देने, अभी तो मैंने बतला चुका है कि अभी तक 2 साल से मैंने देखा है कि कट ऑफ मार्क्स को इन्होंने कम कभी नहीं किया अभी तक, तो चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, आपको फिर से तैयारी करनी चाहिए। मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, अगर आप चाहें तो उसके बारे में जानना हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता है उसमें व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं डिटेल शेयर कर दूंगा। सर मैंने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं किया था, क्यों नहीं किया यार, बोला था, हमेशा बोलता हूँ जैसी ये सब चीज़ें डाउनलोड करके रख लो, तो क्वेश्चन टैली करने के लिए कोई चांस है सर अभी डाउनलोड करने के लिए? देख लीजिए लिंक पे, अगर कुछ आ रहा हो ऑप्शन में तो आप देख लीजिए। हेलो सर AIR 1546 कैन आई गेट एनी स्टाइफंडरी सीट? यस मिलने के चांस है, बिल्कुल मिलने के चांसेस हैं, पर काउंसलिंग में भाई लगे रहना पड़ेगा। सर AIR 1546 अच्छा सेम मिल जाएगा आपको, बस वाइजली आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, उस समय मुझे याद करिएगा मैं बताऊंगा। 2 questions के आंसर्स पता नहीं क्यों नहीं बदले, अब उस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा अभी आपके लिए फिलहाल तो। हेलो सर मेरा AIR 1199 है, OBC रैंक 531 है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है क्या? मिल सकती है, काउंसलिंग में आप बिल्कुल पार्टिसिपेशन करिए, अगर आपको लेनी है तो सब्जेक्ट से अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल कुछ ना कुछ मिल जाएगा कहीं ना कहीं। सर AIR 9187 ST कैटेगरी रैंक 218 स्कोर 142 राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? स्टेट वाइज जब रैंक आएगी तो उस स्टेट के बारे में बतला सकता हूँ, बाकी AIR के बेसिस पे अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का वीडियो बनाइएगा, मैं कोशिश करूँगा किसी से इन्फॉर्मेशन जुटाता हूँ, महाराष्ट्र के कोई फ्रेंड अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर उन लोगों को गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ आप मुझे DM करिए, व्हाट्सएप करिए, फेसबुक में मैसेज भेज दीजिए, संपर्क करते हैं और सभी का हेल्प करने के लिए एक वीडियो बना लेंगे उसके ऊपर। सर फाइनल आंसर की तो आ गई, अब रिजल्ट भी दोबारा? ना, रिजल्ट उन्होंने पहले दे दिया है, हमारा एग्जाम अजूबा थोड़ा होता है कि आंसर की बाद में आ रही, स्कोर कार्ड उन्होंने जारी कर दिया है तो नया आने का तो कोई प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं लग रही है। कोई चेंज नहीं हो है प्रोविजन एंड फाइनल आंसर की में, ठीक है उसके बारे में मुझे नहीं पता। एक्सीलेंट, अच्छा तो थैंक यू आपको, अगर मुझे मेरे काम को एक्सीलेंट आपने कहा है तो। ओनली 2 questions आर चेंज, 1 इज द चतुर्बीज एंड 1 इज स्वस्थ किट। सर ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक जो दी हुई है वो ऑल इंडिया रैंक है या कैटेगरी रैंक है? वो ऑल इंडिया रैंक बतलाई गई है, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, लाइक इंटरनल कोटा तो नहीं लग रहा है कहीं पे, कोई स्टेट कोटा तो नहीं लगा है कहीं पे, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, वो बतलाया पर उन्होंने AIR है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में जितने कुछ कमेंट्स मुझे दिखे हैं मैंने धर सबके आंसर देने की कोशिश कर दी है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि नीडफुल पीपल्स तक ये हेल्प मेरी पहुंच पाए, जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।